नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में आज अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन आसमान में हल्के बादल छाए हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दर्ज किया था कि अब कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है, तो हल्द्वानी में भी मौसम ने करवट बदल ली है और हल्की ठंड का एहसास दिन में होने लगा है। पहले सुबह और शाम हल्की ठंड होती थी, लेकिन अब दिन में भी मौसम जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से अचानक से मौसम ने हल्द्वानी में करवट बदली है, इसी को लेकर आज हम जानेंगे जनता की राय कि क्या एकदम से जो मौसम ने करवट बदली है उस पर उनकी क्या राय है, और क्या इस बार उत्तराखंड में या फिर हल्द्वानी में सर्दी जो है वो देर से दस्तक दे रही है या फिर नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कमल। सर, जिस तरह से हल्द्वानी में मौसम देख सकते हैं आप कि आज थोड़ी बहुत ठंड दिन के समय महसूस की जा रही है, लेकिन कल तक दोपहर में धूप देखने को मिल रही थी, एकदम से बदलाव हल्द्वानी में आया है, क्या लग रहा है मौसम का? ये इस समय दिसंबर चालू हो रहा है तो बारिश के अनुमान जो है मौसम वैज्ञानिकों ने भी वो दे रखा है कि बारिश हो सकती है। पूरे देश की कई जगहों की वो दी है चेतावनी कि इन इन जगहों पे बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव आ रहा है और बारिश देखने को मिलेगी तो लोगों को ठंड का एक एहसास होगा, उसका लुत्फ़ तो उठाने का एक अलग ही अंदाज़ है। क्योंकि अगर जहाँ तक जाड़ों का मौसम है तो यह है कि बारिश भी होगी और ठंड होगी और इससे लोगों को अच्छा एक मौसम देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, क्या लगता है इस बार जो ठंड है वो लेट पहुंची है? ना, लेट सही समय पे है। अब जो दिसंबर है इसमें बर्फ़बारी भी होती है। अब ये बर्फ़बारी कब तक होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे नैनीताल है या मुक्तेश्वर रामगढ़ वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे लगे हुए, तो इनमें जल्दी हमें अनुमान है कि इनमें बर्फ़बारी होगी और लोगों को एक अच्छे मौसम का वो मिलेगा, लुत्फ़ उठाने का मौका। और यहाँ हमारी आशा है कि पूरे जो सैलानी आते हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ का वो करेंगे, रुक करेंगे। तो क्या जैसे मौसम ने आज दिन में करवट बदल ली है, गर्म कपड़े निकल गए हैं? गर्म कपड़े निकल गए हैं, गर्म तो निकल ही गए हैं, सब स्वेटर भी पहनने लग गए हैं। लेकिन जरा हल्द्वानी और मेरा ये अनुमान है काठगांव हल्द्वानी के मौसम में भी फर्क होता है। मैं काठगांव से आया हूँ तो वहाँ जरा ज़्यादा ठंडा है, यहाँ कुछ कम है। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? ओम प्रकाश सोनकर। सर, आज हल्द्वानी में अचानक से मौसम ने करवट बदली है। कल तक दोपहर में जहां धूप देखने को मिल रही थी, वही आज आप देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही ऐसे ही मौसम हो रहा है। अच्छा। आज तो सुबह से ही है और अभी देखिए मौसम हल्का हल्का बूंद सा आ रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो जैसे नवम्बर का आखिरी हफ्ता ये मान के चलते हैं कि आखिरी हफ्ता चल रहा है, क्या लगता है कि इस बार ठंड जो है वो देर से पहुँची है उत्तराखंड में? देर से ही है, नहीं तो ठंड तो ये एक महीने पहले पड़ जाती, तो अभी तो ठंड आई नहीं, अभी नहीं है। लेकिन जैसे देर से ठंड पड़ रही है हल्द्वानी में, तो क्या लगता है आने वाले समय में ज़्यादा ठंड पड़ेगी क्योंकि देर से पड़ रही है? लगता ही नहीं है ठंड लगेगी, होगी या नहीं होगी। अच्छा। लगता है आपको ऐसा? हमें तो नहीं लगता कि ठंड अब की होगी। अच्छा, मतलब ठंड इस बार कम होने की उम्मीद लग रही है? उम्मीद ही है, ये देखिए आप पूरा महीना निकल गया है ठंड का और क्या ठंडा होगा, अब तो आप देखिए खुद। ये तो मौसम थोड़ा सा हल्का सा ठंड का हो रहा है, हुआ ही नहीं है, दो महीने हो, एक महीना पूरा हो गया ठंड का, खत्म हो गया ये। बस सुबह और शाम हल्की सी ठिठुरन हो रही थी, सुबह सुबह हल्की ठंड है। हाँ। और हवा की ठंड है, बाकी कोई ठंड नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। सर, जिस तरह से आज हल्द्वानी में एकदम से मौसम ने करवट बदली है, ठंड गर्म कपड़े भी लोगों के निकल गए हैं, तो क्या लगता है कि एकदम से मौसम ने करवट बदली है या धीरे धीरे ये जो बदलाव है वो आया है? मौसम तो एकदम ही करवट बदली है, इसमें एकदम बदलाव नहीं आया। अच्छा जी, कल तक कैसा था मौसम? कल तक काफ़ी गर्म मौसम था। अच्छा, इसमें काफ़ी एकदम से सर्दी हुई और एकदम मौसम चेंज हुआ है। हाँ, मतलब कल दिन तक तो धूप निकल रही थी। जी, कल दिन पूरा धूप निकली है, इतना आज ही हुआ है सब कुछ। और सुबह और शाम कैसा था मौसम? कल सुबह शाम बहुत गर्म था, आज से काफ़ी सर्दी है। तो मतलब अब आने वाले समय में सर्दी बढ़ेगी? जी हाँ, आने वाले समय सर्दी बढ़ेगी। तो इस बार क्या हल्द्वानी में ठंड, या उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो ठंड लेट पड़ी है क्योंकि नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है? जी हाँ, काफ़ी लेट पड़ी है ठंड, अभी दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। अच्छा, तो गर्म कपड़े आपके आज से निकले हैं या पहले से निकाल लिए थे? जी, आज से निकले हमारे घर से निकले। जी हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। राइट। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अली।
सर क्या लगता है हल्द्वानी में मौसम ने करवट बदली है? जी बिल्कुल, कल से तो बहुत ही करवट बदली है और आज तो बहुत ही ठंडा ही हो रहा है। अच्छा, और ई रिक्शे में तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। इसमें फिलहाल जो है कि इसमें तो ज़्यादा ही हवा लगती है इसमें सब तरफ से। अच्छा, और इसमें कुछ लगाने के भी कोई साधन ही नहीं है। अगर लगाते हैं तो फिर सवारी भी नहीं बैठ पाती, उन्हें पता नहीं छुपा के क्या ले जाना है इसके जरिए से। अच्छा जी। अच्छा, तो और दिन तो सुबह और शाम ठंड हो रही थी लेकिन दिन में धूप निकल रही थी। जी जी बिल्कुल, मतलब दिन में तो नॉर्मली मौसम था, आज तो कुछ सुबह से धूप ही नहीं निकली, आज सुबह से सूरज ही नहीं मिला देखने को। क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड? बिल्कुल बिल्कुल, आगे आने वाले टाइम में तो ऐसी लग रहा है कि ठंड अभी से ही अब चालू हो गई चुकी है समझ लो कुल मिला के। अच्छा चलिए, गर्म कपड़े निकल गए आपके? हाँ बिल्कुल, सब निकल गए गर्म कपड़े, अपने भी बच्चों के भी सब भी निकल गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? प्रहलाद गुप्ता। सर आज तो ठंड बढ़ गई है हल्द्वानी में, कल तक कैसा मौसम था और आज कितना बदलाव देखा है? बदलाव हो गया बहुत, बदलाव। कल तक क्या मौसम हो रहा था? कल तो मौसम इतना ठंडा नहीं था। हाँ, दिन में धूप आ रही थी। हाँ, अच्छा। आज धूप नहीं है, आज गरम स्वेटर, गरम स्वेटर की जरूरत पड़ी अब। निकल गए गरम कपड़े आपके? निकल गए निकल पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा ठंड पड़ेगी? देखो क्या होता है, आगे की पता नहीं कुछ, ठंड कैसी बढ़ती है कैसी नहीं बढ़ती है, बारिश बढ़ जाएगी ठंड भी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो ये ठंड जब बढ़ती है तो व्यापार पे कोई इफेक्ट पड़ता है इसका, प्रभाव पड़ता है? थोड़ा वो तो पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है? अब हाथ ठंडे सब ठंडे से ठंडा होता है, कपड़े तो पहनने पड़ते हैं। आपका नाम? अब्दुल नजीर। तो जैसे आज हल्द्वानी में दोपहर में धूप तो हमें देखने को नहीं मिली है, मौसम ने करवट बदल ली है, ठंड बढ़ गई है? हाँ ठंड की नहीं बढ़ी, ठंड तो बढ़ गई, बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय में ज्यादा ठंड होती थी लेकिन अभी भी दिन में आप देख सकते हैं कि ठंड ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। हाँ। अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड ऐसी? अब हम ये तो ऊपर वाले जाने, हमारे हाथ में थोड़ी है। अच्छा। हमारा हमें पता नहीं इसका, मतलब सर्दियों के मौसम आ गया अब बढ़ेगा, जब सर्दी का मौसम आया तो ठंडा तो बढ़ेगी। तो गर्म कपड़े निकाल लिया आपने? अभी तो यही पहने हुए हैं जो पहनना है, जब ठंडा बढ़ेगा तो गर्म कपड़े ही पहन लेंगे। अभी ठंड लग रही है आपको? हल्की मुल्की तो लगती है शरीर को। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपका नाम? मनोहर सिंह। सर जैसे आज एकदम मौसम में करवट बदली है, एकदम से ठंड जो है वो हल्की शुरू हो गई है, कैसा था कल तक का मौसम और आज कितना बदलाव आप देख रहे हैं? आज बदलाव है वैसे, सुबह शाम की मौसम में भी बदलाव हो रहा है, हवाएं थोड़ा ठंडी है। और दिन दोपहर के समय धूप निकल जाती थी? हाँ आज धूप नहीं है, दिन भर बादल छाए हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, बढ़ेगी। हाँ, गर्म कपड़े निकाल लिए आपने? हाँ निकाल लिए, पहले निकाले थे आज निकाले? निकाल लिए थे, दो तीन दिन पहले निकाल लिए थे, जरूरत अब पड़ रही है। हाँ सुबह शाम में ठंडा पड़ रहा था, ठंडा बहुत है। क्या लगता है इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक ठंड पड़ेगी? अधिक ठंड पड़ेगी। तो देखो आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी में मौसम के करवट बदलते ही लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों से हमने बात करी और जाना क्या क्या इस बार हल्द्वानी में सर्दी जो है वो देर से दस्तक दे रही है या फिर नहीं, तो अलग अलग किस्म के हमें आंसर इस पर मिले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके शहर में भी मौसम ने करवट बदली है या फिर नहीं, क्या सर्दियों की शुरुआत हुई है या फिर नहीं। तो ये थी जे जे एन की खास ग्राउंड रिपोर्ट, मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।